हाय एवरीवन वेरी गुड इवनिंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से एसएससी वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एंड थैंक यू सो मच कमेंट लार्ज कर वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सिद्धार्थ शालू अल्ट्रा राजपूत खेमचंद बीट्स मंजुनू आ, मजनू ठीक है राहुल राघवी शिल्पी मैम बालक जो भी है आगे बच्चा आ, दियो, आजादी दर्शन रोहित वेरी 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 गुड इवनिंग आप सभी को आप सभी को ढेर सारा प्यार और जल्दी से आइए ताबड़तोड़ तोड़ करते हैं शुरुआत राइम कर गया हो ना आदर्श मिस्टर जिद्दी मीना संजीव तनु तुम इतने सारे हो ना और ये देख के बहुत अच्छा लगता है मैं तुम्हारे गलत शलत नाम भी लेते रहूं तो पता चलेगा है नहीं है ना आयुष नॉलेज कमाल की ओके जो कि लिया है मैंने गलत शिबू अभिषेक वेरी 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 गुड इवनिंग आपको भी मंडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे आने वाला पूरा हफ्ता आप अपना टारगेट अच्छे से सेट करो एंड थैंक यू सो मच बच्चों आप लोग जो भी विश हमें कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा की थैंक यू सो मच बस इस प्यार को इस इज्जत को हमेशा बनाए रखना अपने दिल में हमारे लिए ठीक है जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उम्मीद है कि आप सब भी हमारे साथ लगातार मेहनत कर रहे हो अपने सपनों को पाने के लिए येस और नो हेलो मैम हेलो जी मारुदी लल्ला थैंक यू सो मच आयुष बीस आर एस आ, मीना थैंक यू सो मच और विशाली बालक प्रणाम आपको भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना शहनशाह मुगल पीरियड नंबर मतलब मैंने जैसे आपसे वादा किया था बच्चा कि मुगल काल को हम दो उसमें लाएंगे क्लासेस में लाएंगे तो आज कुछ बचे हुए सवाल और उनसे जुड़े हुए कुछ और अन्य सवाल और लास्ट में आपका सवाल ऑफ द डे ठीक है ये सब आपका रहने वाला है पहले सवाल से शुरू करते हैं ठीक है आ, बच्चा आपको उन्होंने शॉर्ट्स भी डाला है भृगु सर की तबीयत जो है जो कि दो-तीन दिन से आपकी ठीक नहीं है तो इसलिए आज जो है वो ज्यादा क्योंकि लगातार वो क्लासेस लेते जा रहे हैं बीमारी में भी आप सबके लिए ताकि आपका नुकसान ना हो पाए तो इसलिए आज उन्होंने क्लास नहीं ली है क्योंकि तबीयत थोड़ी ज्यादा खस्ता हालत में है सर की ठीक है पहला सवाल और दीजिए फटाफट से इसका जवाब और पोल आपके सामने यहां पर हाजिर होते हुए पोल को थोड़ा लाइन में लाते हुए पैंतालीस सेकेंड यहां पर भर दिया है और पहला सवाल आप सबके सामने है कि आगरा में आराम बाग किसने बनवाया था और पहले ही सवाल में किसी के छक्के छूटते हुए और कोई छक्के छुड़ाते हुए वाह अच्छा बच्चा आगरा का आराम बाग किसने बनवाया था क्या आपको नहीं लगता कि आगरा का जो आराम बाग है वो बाबर ने बनवाया था आपको नहीं लगता कि आगरा का जो आराम बाग है वो अकबर ने नहीं वो बाबर ने बनवाया था सन 1528 में ठीक है और 1528 की अगर बात हो रही है तो अपने जो ये अकबर साहब है जिनका आप नाम ले रहे हो ये तो मेरे को लगता है पैदा भी ना हुआ था ये देख पोल क्या खेल रहा है मेरे साथ तो ए इज द राइट ऑप्शन आपका बाबर ने बनवाया था अच्छा ये बताइए बाबर भारत पे विजय से पहले पानीपत के पहले युद्ध से पहले कहां का शासक था बच्चा ठीक है कहा का शासक था फटाफट से आंसर करिए। बाबर राइट आंसर। right इसके चार बहुत ज़्यादा फेमस है। 1530 में इसकी डेथ हो गई थी इसके बारे में हमने पहले वाले में बहुत ज्यादा पढ़ा था ठीक है तो आज इसके ज्यादा सवाल नहीं है फरगना का शासक है अकबर की जो आप बात कर रहे हो उस बेचारे को तो जन्म ही सोलह में हुआ था ठीक है उसका तो जन्म ही 1642 में हुआ था वो तो खेला होगा इस बाग में ओके तो पहला सवाल जो कि आप सबने मेजोरिटी में जो मेरे को लगता है गलत किया है अब आगे बढ़ेंगे 17% परसेंट फिर भी हमारे दुरंधर कुछ ऐसे हैं क्योंकि मैंने 45 सेकेंड होने से पहले ही जवाब दे दिया था शायद आपको है ना ओके 1705 में क्या रे जन्म हुआ है किसका गोरखपुर वाले मंजू गहलोत अंकित शिवाय बटरफ्लाई तितली और स्माइली ठीक है आयुषी नीतीश ग्लिच साहब विशाल अंकित खुशी ये अपने टॉप टेन है बच्चे पहले सवाल में और टोटल जो जवाब भरे गए हैं तीस सेकंड के अंदर वो बत्तीस है और बत्तीसवें नंबर पर पता कौन है चल निकल अब वो तुम्हें कह रहे हैं मुझे तो नहीं कह रहे होंगे क्योंकि अच्छा सोलह सो लिख दिया मैंने चलिए बच्चा पंद्रह में ठीक है हमने 1600 क्यों लिख दिया 1605 में तो ये बोल गया था <laughs> चलो 1542 सो बयालीस इज द राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा है ना 1605 में तो खुद टैप बोल गया था तो कुछ गलती आपने की थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई और बल्ले बल्ले ना आपकी जीत ना मेरी जीत चलिए पहला सवाल दूसरा सवाल आप सबके सामने हाजिर होते हुए हुमायूं के पिताजी का नाम क्या था सबको पता है बच्चा हुमायूं के पिता का नाम था बाबर बेटे का नाम था अकबर अच्छा यहां से अगर मैं पूछूं आपसे हुमायूं ने ध्यान से सुनना हुमायूं ने सबसे पहले सबसे पहले जो युद्ध लड़ा था वो कौन सा था ठीक है सबसे पहले जो इंडिविजुअल युद्ध लड़ा था वो कौन सा वोर था ठीक है एक सवाल ये पूछा जाता है एग्जैक्ट भाषा तो मुझे अभी उसकी नहीं पता बट उसका पहला वोर ठीक है उसका पहला वोर पानीपत का नहीं जी पानीपत का नहीं था ठीक है पानीपत का तो बिल्कुल भी नहीं था ए ऑप्शन बाबर इज द राइट आंसर सतासी परसेंट में थे साहिल बटरफ्लाई चौसा चौसा तो पंद्रह में है ये 1530 में वो मर गया 1531 की बात है बच्चा तो सिंपल सवाल को करते हैं 1531 में हुमायूं ने कौन सा वॉर लड़ा था ठीक है 1531 में बटरफ्लाई मिस हिमानी के प्रोटेक्टर पधार चुके हैं उनका जोरदार स्वागत होना चाहिए मिस्टर जी क्रिक फीवर नील कमल प्रतीक शुभम आ, सत्य लोंडे एंड पायल टॉप टेन अपने इस सवाल में यहां पर आते हुए खानवा का युद्ध हिमायु ने लड़ा था शर्म नहीं आती अगला सवाल आप सबके सामने है कृष्ण देव ठीक है कृष्णदेव प्रथम कृष्णदेव राय को किसने हिंदुस्तान का सबसे महानतम शासक बोला है कृष्णदेव राय ठीक है जिन्होंने अपनी आत्मकथा में खुद को यादव जाति का बताया है ये सवाल पूछा जाता है बच्चा इसलिए मैं बोल रही हूं ओके बताइए 1509 से लेकर कृष्णदेव पंद्रह प्रथम 1509 से लेकर ये रहे बच्चा 1509 से आ, कितने ईयर आपको करने हैं उनतीस तीस उनतीस तक ठीक है 1509 से नौ उनतीस तक विजयनगर साम्राज्य में आपसे यहाँ पे सवाल एक आएगा कि जो ये विजयनगर साम्राज्य है महान साम्राज्य इसको बोला जाता है इसकी स्थापना किसने की थी इसके फाउंडर कौन थे एक बार फटाफट से बताइए बाबर ने इनको बोला है ए इज द राइट आंसर उसी के समकालीन क्या थे ये आपके शासक थे कृष्ण राय प्रथम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है किस रिवर के तट पर आप कहेंगे हरिहर ठीक है हरिहर और बुका दो भाइयों ने इसने इसकी सथ, आ, स्थापना की है 1336 में की थी ठीक है 1336 में कौन सी नदी के तट पर कौन सी नदी के तट पर आपका जल्दी से बताइए कौन सी नदी के तट पर हरिहर एंड बुका 1336 किस नदी के तट पर तुंग भद्रा क्या तुंग भद्रा वेरी गुड तुंग भद्रा जो कृष्णा की सहायक नदी है बच्चा देव राय को ना दो टाइटल मिले हुए हैं क्या मिले हैं दो टाइटल मिले हुए हैं जल्दी से नाम बताइए एक का नाम मैं बता देती हूं आंद्रा भोज ठीक है क्या है आंद्रा भोज दूसरा टाइटल बताइए जो इनको मिला हुआ है और या फिर कहिए किस नाम से जाना जाता है जैसे शेर खां को शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी आंद्रा भोज और दूसरा आंद्रा पिता महा बच्चा ठीक है आंद्रा पितामह पितामह ठीक है ये दोनों चीजें याद रह जाएंगी अब अगले सवाल पर चलते हैं लेकिन उससे पहले एक सवाल और पूछ लिया जाए या उसको सवाल ऑफ द डे बनाए सवाल ऑफ द डे बनाएंगे क्योंकि सवाल अच्छा है चलो बाबर ए ऑप्शन पे ताला लगाते हैं और नीलम शर्मा शिखा जी शिखन जी अबे हमें ना पता गोल्डी साहिल सिद्धार्थ गोरखपुर वाले सिमरन एंड पायल सैनी वेरी गुड बच्चा आप सब ने जवाब एकदम से सही दिया है अब यहां पर मैं आपको बता दूं बच्चा यहां पर कुछ अलग क्वेश्चन होंगे पिछले वाली क्लास से क्योंकि एक सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं मुगल पीरियड का तो ये मत सोचना कि मैम आज तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ अलग से लग रहे हैं आपने हमायू नहीं पढ़ाया आपने बाबर नहीं पढ़ाया कैसे शुरुआत हुई थी तो ये शुरुआत तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है बिल्कुल अंकित सवाल है इनमें से कौन हुमायूं का भाई नहीं है बाबर के बच्चे चार बेटे और एक बेटी गुलबदन बेगम ठीक है पहले उन्हीं को ले लो ठीक है जिसने हुमायूं नामा लिखा है है ना नामा लिखा है तो ये आपका यहां पे खत्म उसके बाद कामरान हिंडाल मिर्जा आ, मिर्जा सुलेमान भी इसको बोला जाता है और अस्करी और एक हो गया हुमायूं ठीक है क्योंकि भाइयों की बात हो रही है जो ये मिर्जा सुलेमान था बच्चा ये इसका चाचा का बेटा था है ना ये इसके चाचे का बेटा था ये इसके चाचे का बेटा था तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाकी आपके तीनों के तीनों और खुद मिला के हुमायूं ये बाबर की संताने हैं और उसकी बहन आपकी जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा है दीपक कामराज मिस हिमानी बटरफ्लाई इट्स ऑल अबाउट ओनली फन अंकित शाह मिस्टर जिद्दी साहिल सही जवाब यहां पर दे रहे हैं अंकल ब्रो वेरी गुड अंकल ब्रो <laughs> अंकल ब्रो आगे आपका लिखा हुआ भी है सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है लेकिन सवाल इतना इजी तो होने से रहा सिंपल सी बात है इसके साथ साथ आपको बताना है इसका आर्किटेक्चर डिजाइन किसने किया था इसके वास्तुकार का नाम क्या था और दूसरा सवाल ये है पहला तो ये हो गया दूसरा बच्चा किसने बनवाया था क्या किसने इसको बनवाया था हुमायूं जिसकी डेथ मकबरा तो बच्चा डेथ के बाद जिंदा तो दफनाएंगे नहीं आपकी 1556 में लाइब्रेरी में से गिरकर हो गई थी ठीक है कहां से लाइब्रेरी की सीढ़ियों में से गिरकर आपकी इसकी डेथ हो गई थी नाम बताना है किसने बनवाया है हुमायूं की बीवी ने बिल्कुल सही है लेकिन कुछ नाम पता तो होगा वो तो बता दो <laughs> बीबी ने है ना वास्तुकार का नाम बताइए आपको डिटेल भी मिलेगी टेंशन मतलब वास्तुकार का नाम बताइए ये है आपका दिल्ली में सही ऑप्शन ये हो जाएगा अच्छा बाबर का कहा आ, अकबर का कहां पर है अकबर का मकबरा ये बताना जरा अकबर का मकबरा आगे क्वेश्चन आएगा स्किप कर देंगे रुकैया बेगम पूरा वो देख रखा है तुमने है ना हमीदा बानो बेगम वेरी गुड बच्चा ठीक है चलो आगे इसकी डिटेल पढ़िए देखिए आपके कौन थे मिराक मिर्जा ग्यास और उसी का बेटा सैयद मोहम्मद इन दोनों ने इसका डिजाइन जो है तैयार किया था ठीक है इन दोनों ने इसका डिजाइन किया था और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा 1993 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दिया गया था क्या घोषित कर दिया था ये हमारे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है ये चीज ध्यान रखना ठीक है अगला सवाल अकबर की मृत्यु कब हुई थी जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है अच्छा इसका पोल नहीं देख पाए कोई बात नहीं है अगले पे चलते हैं इसको हटाकर दिल्ली बी ऑप्शन में लिखा हुआ था वैसे जहां तक मेरे को लगता है अगला सवाल है सिकंदर आजम किसे कहा गया है सिकंदरे आजम किसे कहा गया है औरंगजेब को हुमायूं को अकबर को या फिर आपका बाबर को ठीक है या फिर आपका बाबर को ये बा पहले वाले प्या की मात्रा आएगी सिकंदर आजम हुमायूं को ही बोला गया है बच्चा किसको बोला गया है हुमायूं को ही बोला गया है सिकंदर आजम ये आ गया जो सवाल मैंने तुमसे पूछा था हालांकि मैंने उस टाइम पे जवाब नहीं दिया था लेकिन यहां पे आपका जवाब आ गया मैंने ईयर आपको बता दिया था बच्चा अब आप मुझे इसमें से ऑप्शन बताओगे सही सृष्टि पूजा सत्यम एंड लवप्रीत टॉप फोर अपने यहां पर आते हुए और फटाफट से आ गया है पहला सवाल किस राज्य की तरफ सम्राट हुमायूं का पहला आक्रमण हुआ था किस राज्य की तरफ सम्राट हुमायूं का क्योंकि बच्चा 1530 में बाबर की डेथ हो गई ठीक है बाबर की क्या हो गई डेथ हो गई 1531 में हुमायूं ने कालेंजर पर क्या किया था आक्रमण किया था यह चीज ध्यान रखना ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंद्रह और 1540 ठीक है पंद्रह में हुआ था चौसा का वो चौसा का युद्ध और 1540 आगे इनकी बात होगी डिटेल में वहां करेंगे 1540 में हुआ था बच्चा बिलग्राम का युद्ध है ना कौन सा बिलग्राम जिसे कन्नौज भी कहते हैं या कन्नौज वोर को ही बच्चा आपका बिलग्राम वोर कहते हैं ये हुए थे दोनों के दोनों शेर शाह सूरी एक सवाल यहां पे आ रहा है बड़ा तेजी से है ना शेरशाह और हुमायूं के बीच में अब ये जो 1540 वाला हुआ था इसमें तो हुमायूं को भागना पड़ गया था कितने सालों के लिए 1540 है मैम 1555 में वो दोबारा आता है तो 15 सालों तक ये क्या रहा 15 सालों तक ये छिपा रहा जिसमें इसने एक बेटा भी पैदा किया जिसका नाम अकबर आगे वो आएगा वेरी गुड अब मुझे ये बताइए ये जो मैंने नाम लिखा है शेर शाह जिसका नाम बच्चा शेर खान भी है ठीक है इसने शेर शाह की उपाधि कब धारण की चौसा का युद्ध जीतने के बाद या फिर आपका कन्नौज वोर जीतने के बाद आ, शिवी थैंक यू सो मच बच्चा आप आए बाहर आई वही बात हो गई <coughs> मारुति लल्ला इन्होंने जीटी रोड भी बनवाई बिल्कुल करेक्ट साशा राम में इनका मकबरा है है ना वेरी गुड में मकबरा है यह सवाल भी बड़ा पूछा जाता है बिहार में साशा राम में इनका मकबरा है बिल्कुल सही जीटी रोड बनाने का श्रेय कोलकाता से लेकर पेशावर तक हमारे भारत के एनएच टू और एनएच वन जुड़े हुए हैं है ना बिल्कुल करेक्ट चलो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शेर खान ने जिसका रियल नाम फरीद खान भी था बच्चा आपका उपाधि जो धारण की थी वो चौसा का वोर जीतने के बाद की थी कौन सा चौसा का वोर चौसा वोर जीतने के बाद की थी चलो अब इसका ए ऑप्शन लगाते हैं 1531 में कालिंजर वो ठीक है अब यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं आपका 50 परसेंट में से गगन नंबर वन पर है बटरफ्लाई नंबर टू पर है सत्यम नंबर तीन पे है और अपने विशेले बालक नंबर चार पे रोर गेमिंग आपके पांचवे पे नीलकमल और बाबू भैया भी है कि टोटल जो जवाब दिए हैं 71 में 30 सेकेंड के अंदर जूही ने अपना नाम दर्ज करा लिया है जूही हमारी पुरानी साथी है, है ना चलिए आगे चलते हैं बच्चा अगले सवाल पे कोई डाउट नहीं है चलो आगे चलते हैं और सवाल तुम फटाफट से दे ही रहे हो आज के कई सारे बन जाएंगे अच्छा चोसा का वोर कब हुआ था यह सवाल अगला है तो इसको हम नहीं करेंगे है ना हम करेंगे यहां पे। इसके आगे की फिर बात होगी बच्चा ठीक है सवाल नंबर दो है आपका कन्नौज जिसको बिलग्रम का वोर भी कहा जाता है यह कब हुआ था अच्छा जी कन्नौज का वोर कब हुआ था जल्दी से बताना गलत मत करना बच्चा किन किन के बीच में हुआ था किन किन के बीच में हुआ था क्योंकि जस्ट एक मिनट भी नहीं हुई है हम आपको बताकर आए हैं ठीक है बच्चा पंद्रह में चौसा का वोर फिर से 1540 में होता है कन्नौज वोर किसके बीच में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में किसके बीच में शेर शाह सूरी के बीच में ठीक है 1540 में हारता कौन है हारता हुमायूं है हारता कौन है हारता आपका हिमायु है और ये भाग जाता है सिंध पंजाब में पंद्रह साल के लिए तब तक आपकी शेरशाह सूरी की डेथ हो चुकी होती है बच्चा यहाँ पर अब जो सूरी साम्राज्य है उसमें कोई ऐसा शासक नहीं है कि वो आपके इसके शासन काल को अच्छे से चला सके इसके शासन को अच्छे से चला सके पंद्रह में अब ये फिर से वापस आएगा तो दो बार दिल्ली का सम्राट बनने वाला हुमायूं पहले आपका 1530-31 बाबर की डेथ के बाद और फिर 1555 में अभी जस्ट एक और वॉर ये लड़ेगा और ये भारत में फिर से सम्राट बनेगा फिर अगले साल 1556 में ध्यान सुनना बच्चा 1556 में इनकी जनाब की डेथ हो जाएगी 1556 में अब बस अकबर जो है वो रास्ते में है वो आने ही वाले हैं हुमायूं के बारे में लड़खड़ा सुल्तान बोला गया था किसके द्वारा बालक पिछले वाले में हमने करवा चुके हैं बच्चा ए ऑप्शन आपका सही जवाब बहत्तर परसेंट क्रिक फीवर विशाले बालक खेमचंद खुशबू अनन्या बटरफ्लाई सोफी साहिल पायल और सूरवीर वेरी गुड सूरवीर तो बैठ जाएगा अगला सवाल देखते हैं तब तक के लिए <laughs> आ, इसकी डिटेल हमने सारी आपको बता दी है और कुछ ऐसा नहीं है अब ये वापस आएगा ठीक है अकबर का जन्म कब हुआ था अकबर का जन्म कब हुआ था कहाँ पर हुआ था किसके महल में हुआ था सारी बातें बता देना अब ओके एक ही सवाल में क्योंकि क्यों आगे बढ़ाने ज्यादा सवाल जितने कम सवाल जितनी ज्यादा डिटेल बच्चा उतना अच्छा है थैंक यू सो मच थैंक यू पिंकी थैंक यू थैंक यू सो मच बी ऑप्शन मैम ओके अंकुर कह रहे हैं, धर्मेंद्र कह रहे हैं अंकित कह रहे हैं कपीश कह रहे हैं अभिषेक बी ऑप्शन सारे के सारे यहां पर बोलते जा रहे हैं बी आयुष नीलम सीमा गगन चलो बाबू भैया हेराफेरी से फिर हेराफेरी कब बना रहे हो फिर पंद्रह सौ बयालीस में बिल्कुल करेक्ट 1542 से लेकर 1605 तक इसका टोटल बच्चा ये जीवन काल रहा है ठीक है 1542 से लेकर 1605 तक वीर साल के यहां पर हुआ था अमरकोट के राजा राजा वीर साल इसको अमर साल भी बोला जाता है बच्चा ये सब चीज ध्यान रखना ठीक है राजा वीर साल के यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो गया 1542 में अभी अकबर की बातें चलेंगी तो एक एक करके हम उसको सोल्व करते रहेंगे 77 आप में से जवाब सही दिया है प्रिंस बटरफ्लाई मिस आईपीएस खेमचंद क्रिक और शिवाय सही जवाब यहां पर दे रहे हैं अकबर का अभिषेक कब हुआ था अकबर का अभिषेक आपका कब हुआ था और उसी टाइम पर जहां पर इसका कहां पर हुआ था ये भी बता दो ठीक है अकबर का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था और कब हुआ था 1556 में हुआ था ठीक है 1556 में हुआ था इससे पहले 14 साल तक बच्चा ये किसके संरक्षण में रहा है ये बैरम खां के संरक्षण में रहा है है ना कालानोर में हुआ था पंजाब के कालानोर में वेरी गुड कालानोर में हुआ था तो कब और कहां ये दोनों हो गया अब 1556 में ही बचा आपका क्या आया है 1556 में ही सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आ जाती है ठीक है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अब ये बताइए ये 1556 में अकबर की तरफ से लड़ रहे बैरम खान और किसके बीच में होती है तो सेकंड बैटल 1556 में हेमू और आपकी अकबर के बीच में या फिर सिंपल कहिए अकबर की तरफ से तो बच्चा आपका बैरम खान लड़ रहा था तो ऑप्शन में कुछ भी आए आप उसका जवाब करेक्ट दे पाओगे यस मैम दे पाओगे ठीक है अच्छा एक सवाल और ध्यान से सुनना मैंने कहा जो हुमायूं है इसका जन्म तो अभी हुआ है ना हुमायूं है वो 1556 में आपका फिर से वॉर करता है 1555 में बच्चा ठीक है ये वॉर जो होती है ये किस-किस के बीच में होती है हुमायूं की 1556 में भारत में दोबारा से वापसी होती है खेमू नहीं रे हेमू मैंने खेमू लिख दिया क्या हेमू लिखा हुआ है अच्छा <laughs> ये किस किस के बीच में होती है 1555 वाली एक बार इसको भी बता दो मैम सिकंदर सूरी के बीच में क्योंकि मैंने कहा ना सूरी साम्राज्य अब वो नहीं रहा जो शेर शाह के टाइम पर था ठीक है सिकंदर सूरी वेरी गुड और इसमें ये महाशय हार जाते हैं और हुमायूं फिर से जीत लेता है आपकी दिल्ली की गद्दी को है ना एक तरह से भारत को चलो अच्छा ये तो वैसे ही वन लाइनर चल रहे थे सॉरी बच्चा आगे चलते हैं अगले सवाल पर इसकी डिटेल देखते हैं इसकी डिटेल बच्चा क्या क्या लिखा हुआ है इसमें कुछ क्वेश्चन की मैंने डिटेल आपके लिए रखी हुई है अमरकोट के राजपूत किले में माता पिता का हिंदुस्तान अमर साल के यहाँ पर हुआ था बिल्कुल आ, अकबर का बचपन निर्वासन में बीता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म पंद्रह में क्योंकि इसका पुराना नाम है बच्चा ओहो यहाँ से तो एक सवाल हो रहा है सर हिंद का युद्ध कब हुआ था 1555 में जो मैंने जस्ट आपसे अभी पूछा है ठीक है सर हिंद का युद्ध मायू की मृत्यु के बाद ये भी हो गया है अपना बस बच्चा आ रहा है आपका पानीपत का दूसरा ओर ये बताइए पानीपत की सेकंड बैटल आपकी कब हुई थी टेंशन मत लेना खाली जवाब ताबड़ दो क्योंकि यहां से हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो तीनों की तीनों बैटल है वो आपसे पूछेंगे है ना फायर ट्स हायर है ना पंद्रह <laughs> छप्पन में हुई थी अच्छा अब यहां से आपके लिए थोड़ा सा काम की बात ये होगी जल्दी से बताना बच्चा पानीपत की पहली बैटल कब हुई थी ईयर ईयर बता देना खाली बाद में वो मैं बता दूं किस किस के बीच में हुआ है क्योंकि आपने अगर ईयर बता दिया ना दैट आपको सब कुछ पता है पानीपत का दूसरा यहाँ पे हो ही गया पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था आप कब बता देना बस और हल्दी घाटी का अकबर के शासन काल का मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध तो हल्दी घाटी का ही है ना जिसमें उसको लिटरली मिला था कोई भारतवासी जी टक्कर दी थी उसको अकबर का सॉरी पानीपत का 1526 आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ठीक है ऐसे यहां पे लोदी लिख दो बाबर और लोदी के बीच में दूसरा युद्ध पंद्रह बी ऑप्शन हमारा सही है अकबर और हेमू के बीच में तीसरा 1761 में अहमद शाह अब्दाली ठीक है किसके बीच में बच्चा अहमद शाह अबदाली और आपके जो मराठा है और मराठा में भी सदा ठीक है

राव मराठा बच्चा इनके बीच में हुआ था हल्दी घाटी का जो वोर हुआ था अब एक बार मैं आप सबसे जानना चाहूंगी हल्दी घाटी का वोर मैं 1576 में ठीक है 1576 में हुआ था अब ये बताइए 1576 में ये अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था ठीक है अकबर के सेनापति का नाम बच्चा ठीक है अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था और महाराणा प्रताप वेरी गुड महाराणा प्रताप तो अच्छा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था घोड़े का नाम क्या था और तो महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था देखो क्या एक तरह से कहते हैं ना कि क्या संयोग बने हुए हैं बच्चा अकबर की तरफ से मैन मानसिंह जाए हुए थे मानसिंह वेरी गुड ठीक है मानसिंह गए हुए थे जो उसके वैसे भी सेनाओं को देखते थे अकबर की महाराणा प्रताप के घोड़े तो का नाम चेतक था तो वेरी गुड रे अच्छा बादल किसके घोड़े का नाम था बादल बादल आ, ये अकबर बाबर है <laughs> मानसिंह अकबर का सेनापति था और बच्चा यहां पर अगर हम महाराणा प्रताप का पूछे तो उनका बताइए हकीम खान वेरी गुड क्या हो जाएगा हकीम खान बच्चा एकदम करेक्ट आंसर जिसने भी दिया है देखो हम आपका नाम तो नहीं पढ़ पाए आप ऐसे हैंड रेस कर दो ताकि सबको पता चल जाए हेमू यस हेमू हेमू नहीं हेमू <laughs> लक्ष्मी बाई वेरी गुड क्या हो जाएगा बच्चा रानी लक्ष्मी बाई के घोड़े का नाम रानी लक्ष्मी बाई के घोड़े का नाम वेरी गुड चलो अब बी ऑप्शन पे ताला लगाए इसके लिए बहुत सारे सवाल हो गए आपके आगे चलते हैं 89% परसेंट में से साहिल द थोर ठीक है द थंडरबोर्ट बटरफ्लाई शिवाय शिमानी के प्रोटेक्टर और अपने विशैले बालक आ, पुलामी हजरा एंड शूरवीर कपीश कितने बच्चों ने आंसर दिया है देखिए जरा दीक्षा ने 135 ने आपने आंसर दिया सबसे पहले तो यही है ठीक है सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है 135 में से 30 सेकंड के अंदर अंदर तो क्या रेस लगाई होगी रे तुमने कमाल कर दिया है ना <laughs> चलिए यस मारुति लल्ला एकदम सही अच्छा साहिर द थोर अपना हैंड रेस करते हुए बहुत बढ़िया अच्छा इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई है अरे एक सवाल आ रहा है यहां पे बताना बच्चा अकबर का आखिरी ध्यान सुनना अकबर का आखिरी विजय अभियान कौन सा था अकबर का आखिरी विजय अभियान कौन सा था कौन सा किला उसने फतेह किया था जल्दी से बताइए हैं देसी लोग क्या असीरगढ़ का किला वेरी गुड जिसने भी जवाब दिया है, फिर से हम आपका नाम नहीं पढ़ पाए सबसे लास्ट में उसने जीता था बच्चा असीरगढ़ का किला वाजीवा है ना वाजीवा चाप वाले आगे चलते हैं अब असीरगढ़ किला वेरी गुड अच्छा हल्दी घाटी का युद्ध क्या हुआ था सिंपल ये लिखा हुआ है वो मैं आपको बता चुकी हूं अकबर के ओहा पूछते हैं पहले अच्छा ये तो मैंने जवाब ही दे दिया चलो आगे नवरत्न किसके दरबार में हुआ करते थे बच्चा नवरत्न किसके दरबार में हुआ करते थे और ये एक अष्ट प्रधान की संस्था थी सॉरी अष्ट प्रधान का एक क्या था अष्ट प्रधान का एक तरह से कहो काइंड ऑफ टाइटल था वो किसके आपके शासन काल में था अष्ट प्रधान किसके काल में हुआ करते थे अष्ट फिनोमिना था बी ऑप्शन नवरत्न जो है वो अकबर के दरबार में थे ठीक है। अकबर के दरबार में नो ऐसे सबसे प्रतिष्ठित लोग जिनको एक तरह से कहिए अकबर अपना सबसे प्रिय मानता था हर तरह की सलाह उनसे लेता था कोई उनमें कवि था अव्वल दर्जे का कोई संगीतकार था कोई आपका बीरबल जो ना दो दिले जान हुआ करते हैं शिवाजी के थे अष्ट प्रधान बच्चा वेरी गुड शिवाजी ठीक है शिवाजी के अष्ट प्रधान अच्छा शिवाजी को किसने बंदी बनाया था शिवाजी को किसने बंदी बनाया था और ये छूट गए थे शिवाजी को किसने बंदी बनाया था यह सवाल है अब यहां पे अकबर के नोरत्नों में से अगर मैं पूछूं तो उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन संभालते थे अकबर का फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन संभालते थे या फिर सिंपल ये रिवेन्यू ऑफिसर कौन थे मैम औरंगजेब वेरी गुड क्या हो जाएगा औरंगजेब औरंगजेब एकदम करेक्ट आंसर औरंगजेब टोडरमल वेरी गुड क्या हो जाएगा राजा टोडरमल इसने एक आपके क्या एक सिस्टम भी अभी इजाद किया है एक सवाल पूछा जाएगा वो अभी तो हम जवाब आपको नहीं देंगे उसका ये रहे आपके अकबर के नौ रत्न बच्चा हिंदी इंग्लिश दोनों में है अकबर के नौ रत्नों में बीरबल जिसका रियल नाम आपका महेश दास ध्यान रखना तानसेन जिनका रियल नाम है बच्चा रामतनु अच्छा बताइए तानसेन का जन्म कब हुआ था तानसेन का ठीक है तानसेन का कब नहीं जन्म कहां हुआ था जन्म कहां हुआ था इतना भी बड़ा फायरबोल्ट नहीं फेंकेंगे आपके ऊपर टेंशन मत लीजिए अबुल फजल आपका जिन्होंने आईने अकबरी लिखी हुई है ध्यान रखना बहुत पूछी जाती है आईने अकबरी ठीक है फैजी उनके दरबारी कवि थे मानसिंह सेना सलाहकार ठीक है मानसिंह सेना सलाहकार ग्वालियर में मैम वेरी गुड कहां पर गवालियर में ग्वालियर में ठीक है ओके okay. उसके बाद बच्चा मुल्ला दो प्याजा उसके अलावा टोडरमल ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा था और अब्दुल रहीम खान ए खाना ठीक है ये थे आपके बच्चा इनके नो रत्न आगे अगले सवाल पे चलने से पहले इसका बी ऑप्शन तो देख ले है ना इसका बी ऑप्शन आप सबके सामने है और ये है बटरफ्लाई सूरवीर कितने परसेंट ने दिया है आंसर नाइन्टी परसेंट ने तो नाइन्टी परसेंट में से तो बहुत लंबा जाएगा आपका एक सौ सैंतालीस बच्चों ने आपकी फतेह हासिल की है यहां पर है ना एक सौ सैंतालीस बच्चों ने चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल आप सबके सामने है आईने दशहला सिस्टम ठीक है आईने दशहला सिस्टम इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था दस साल का टैक्स बच्चा वसूला जाना ओके अच्छा अकबर ने या फिर कहिए मुगल काल में कुछ प्रथाएं थीं जिनको या तो चलाया गया ठीक है या फिर उनको बैन किया गया ये बताइए सबसे पहले मैं यहां पे लिख रही हूं दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा थोड़ा सा पिछला भी तो याद करवा दू आपको ये बताइए दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा शासक था जिसने आपका दाग सिस्टम किस पर घोड़ों पर ध्यान रखना इंसानों पर नहीं दाग सिस्टम चालू किया था दाग सिस्टम चालू किया था घोड़ों पर बच्चा अभी तो इसी का नाम आता है किसका नाम आता है रे अच्छा आईने दशहला जो है टोडरमल ने ही किया था क्या हो जाएगा अकबर के रिवेन्यू ऑफिसर ही इज द टोडरमल ठीक है ही इज द टोडरमल अलाउद्दीन खिलजी ने किसने अलाउद्दीन खिलजी ने वेरी गुड अब ये बताइए बच्चा ध्यान से सुनना क्या जवाब होगा इसीलिए मैंने पहले ये पूछा है ये मुगल काल में किसने शुरू किया है मुगल काल में आपका जो दाग सिस्टम है दाग सिस्टम ये किसने शुरू किया था मुगल काल में दाग सिस्टम किसने शुरू किया था घोड़ों पर मोहर लगाना कि ये मारे और ये थारे एक तरह से अकबर ने शुरू किया था मैम अच्छा किसने शुरू किया था अकबर ने शुरू किया था अच्छा गैर मुस्लिम पर जो जजिया कर लगाया जाता था पहले जजिया कर लगाने वाला पहला लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक ध्यान सुनना पहला मुस्लिम शासक और ये मैंने करवाया है आपको तो ये मत कहना कि मैम इसका तो हमको नहीं मालूम है क्योंकि आपको मालूम सब कुछ है गजनवी बच्चा ये जजिया कर लगाने वाला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है फिरोज शाह तुगलक कौन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ये करवाया था और मैंने आपको सवाल मुझे अभी तक याद है अच्छा जजिया कर को हटाने वाला जजिया कर को हटाने वाला कौन था जजिया कर को हटाने वाला मैम अकबर हो जाएगा कौन हो जाएगा अकबर हो जाएगा ठीक है अकबर ने दाश प्रथा का अंत किया था अकबर ने आपका जजिया कर को अबोलिश किया था वेरी गुड अच्छा आगे कुछ सवाल इसी से जुड़े हुए उसके बाद आपका पोल यहां पर खोलेंगे ये बताइए न्याय की जंजीर आपकी किस नदी के तट पर है न्याय की जंजीर किस नदी के तट पर है रिवर बैंक पर बनाई गई थी रिवर बैंक ऐसे लिख लो नदी का तट बच्चा और ये किसने बनवाई थी ये किसने बनवाई थी जिसको बोला जाता है द किंग ऑफ जस्टिस क्या बोला जाता है द किंग ऑफ जस्टिस किंग ऑफ जस्टिस अच्छा कुछ वन लाइनर की बोछार आप पे की जाए बताइए येस और नो कुछ वन लाइनर आपके लिए लाए जाए थोड़े से कुछ पिछला बच्चा रिकॉल कर देंगे अब तक जितनी भी आपकी क्लासेस हुई है कुछ इसी में से ही पूछते जाएंगे है ना पूछ ले बताइए फटाफट से यस और नो सारे के सारे विद फायर है ना मैम जहांगीर ने जहांगीर ने बच्चे इसमें साठ घंटिया थी घंटिया ठीक है ये भी अगर पूछ लिया जाए तो बता देना घाटिया लिख दिया मैंने घंटिया को <laughs> चलो किसने बनवाई थी जहांगीर ने बनवाई थी किसने जहांगीर ने अच्छा जहांगीर का जो रियल नाम था जहांगीर का जो रियल नाम था वो किनके ऊपर बना हुआ है बच्चा या किन के ऊपर उसने रखा था किसने अकबर ने रखा था क्योंकि अकबर के बेटे का नाम ही जहांगीर था और एक सवाल और यहां से अकबर के बेटे का तो कुछ और नाम था दैट इज सलीम ठीक है अब यह बताना यह किसके नाम पर रखा गया है और सलीम के बाद जो जहांगीर है ठीक है सलीम के बाद नहीं शाहजहां पे आएंगे तब पूछेंगे शलीम चिस्ती, सलीम चिश्ती शेख सलीम चिश्ती बच्चा कहते हैं ना कि अकबर को संतान नहीं हो रही थी वो इन्हीं की दरगाह पे गया था शेख सलीम चिश्ती वेरी गुड उन्हीं के नाम पे इसने अपने बेटे का नाम यहां पर रख दिया ओके अच्छा ये बताइए जहांगीर का शासन काल ध्यान सुनना जहांगीर का शासन काल जो है वो कब से कब तक रहा है अकबर के बाद जहांगीर आता है कब से कब तक उसका शासन काल रहता है फतेहपुर में है मैम बिल्कुल करेक्ट बच्चा आपका हमने यहां पर जवाब पढ़ लिया है 1605 सो से लेकर सोलह सो तक और अब आ जाता है आपका खुर्रम खां है ना आगे चले अब 1628 सो में आ जाता है आपका खुर्रम खां खुर्रम कौन है बताइए जरा खुर्रम कौन है 1605 सो पांच से लेकर 1600 सो आपके सत्ताईस तक बिल्कुल करेक्ट है शाहजहां अच्छा अब ये बताइए ये जो शाहजहां है ना ये जो शाहजहां है बच्चा खुर्रम खां का ही नाम है ये उपाधि जो है ठीक है? ये जो है जहांगीर ने किसने जहांगीर ने दी थी ये सवाल पूछा जाता है ये उपाधि जहांगीर ने दी थी लेकिन कब दी थी बच्चा किस विजय के बाद दी थी किस विजय के बाद ये आपकी क्या है किस विजय के बाद जहांगीर ने शाहजहां को सॉरी खुर्रम खां को उपाधि दी थी शाहजहां की बताइए क्या आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा <laughs> एक सेकंड बच्चा मैं पानी पी लेती हूं आप तब तक बताइए मैम गुजरात अरे नहीं रे बच्चा अहमदनगर क्या हो जाएगा अहमद नगर भेजा था अहमद नगर जिसका अब नया नाम क्या हो गया है जिसका नया नाम अब जल्दी से बताइए क्या हो गया इसे पहले वाली क्लास में भी पूछा है मैंने ये सवाल तो ये कोइंसिडेंसली आ गया यहां पर मलिक अंबर जो था उस टाइम पे बच्चा वहां पर क्या था शासक था मलिक अंबर बिल्कुल करेक्ट है इसको हरा कर ठीक है इसको हराया था उसके बाद खुर्रम खां को शाहजहां की उपाधि उसी के बेटे ने यहां पर दी थी एक सवाल बताना जरा मच्छीवाड़ा का युद्ध मच्छीवाड़ा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है मच्छीवाड़ा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है नदी के किनारे लड़ा गया है फटाफट से कौन आंसर करेगा सांभाजी नगर हो गया है मैम अरे बच्चों, सांभाजी नगर नहीं हुआ वो तो औरंगाबाद का हुआ है ना अहमदनगर का नाम तो आपका अहिल्याबाई होलकर अहिल्या अहिल्याबाई होलकर के नाम पर है बच्चा एक टीवी सीरियल भी आता है सोनी पे अभी तो पता नहीं अभी आता है या नहीं आता है ये तो नहीं पता लेकिन आता था अहिल्या होलकर के नाम पर मच्छीवाड़ा युद्ध का किसके किनारे हुआ था सतलज के किनारे ठीक है किसके किनारे बच्चा सतलुज नदी के किनारे हुआ था अहमदनगर का नाम अभी ये हो गया है वेरी गुड अच्छा एक सवाल मनसबदार जो है ठीक है मनसबदारी प्रणाली मनसबदारी जो प्रणाली है वो किसने शुरू की है की थी है नहीं मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी ये एक तरह से रैंक है बच्चा ठीक है एक तरह से ये रैंक होती थी किसके शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी मैम अकबर ने शुरू की थी वेरी गुड किसने शुरू की थी अकबर ने शुरू की थी अकबर ने शुरू और जरा एक बार ये बताना बच्चा थोड़ा मुझे याद दिलाओ आज का हमने सवाल ऑफ द डे कहाँ पे बोला था कि आज का सवाल ऑफ द डे यहाँ से आने वाला है एक बार बताना अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को जो है वो शुरू किया था अब फटाफट से बताइए अगला सवाल अगले पेज पर ले लेते हैं बहुत ही अच्छा है बच्चा ये सवाल बहुत बार पूछा गया है गुरु अर्जन देव ध्यान सुनना गुरु अर्जन देव जो कि सिखों के पांचवे गुरु थे कौन से गुरु थे सिखों के पांचवे गुरु थे यहां से निकाल लेंगे अपना आज का सवाल इनको किसने मरवाया था इनको किसने मरवाया था इनको किसने मरवाया था गुरु अर्जन देव ठीक है गुरु अर्जन देव को किसने मरवाया था कब सोलह सो बच्चा, ठीक है सोलह सो जहांगीर ने ठीक है कहा किसने जहांगीर ने वेरी गुड जहांगीर ने गुरु अर्जन देव सोलह सो जहांगीर से जहांगीर ने अच्छा जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है बहुत सारे वन लाइनर हो जाएंगे आज तो किसे जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब का मकबरा कहां पर है औरंगजेब का मकबरा जो है वो आपका कहां पर है औरंगजेब का मकबरा बच्चा ठीक है एक सवाल ये हो गया उसका जवाब बिल्कुल आपने औरंगजेब ही कहा है किसका बेटा था वो वो शाहजहां का बेटा था किसका था बच्चा शाहजहां का बेटा था औरंगाबाद में मतलब अब नया नाम नहीं लोगे तुम है ना अब तुम नया नाम नहीं लोगे कि अब इसका नाम भी बदल गया है मैम अब तक तो तुम सांबाजी सांबाजी और सांबाजी <laughs> रजोरी गार्डन में अरे वाह अच्छा एक सवाल तुम्हारे चक्कर में सवाल भी हम एक तरह से भूल ही गए अच्छा यहाँ पे क्या था हाँ जो दिल्ली वाला लाल किला है बच्चा ध्यान सुनना दिल्ली वाला जो लाल किला है वो किसने बनवाया है और जो आपका आगरे का लाल किला है आगरे में जो लाल किला है वो किसने बनवाया है फटाफट से बताइए अपना नाम नहीं लेना है किसी को भी ठीक है और वन लाइनर की बौछारे हो रही है ध्यान रखना अभी जो भी आता रहेगा ना मुगल पीरियड से बच्चा हम आपसे वो सवाल पूछते रहेंगे है ना मैम दिल्ली वाला बनवाया है हुमायूं ने चलो यहां से भी एक सवाल आ गया बच्चा आपका जो ये पुराना किला है आजकल शायद न्यूज में भी काफी है पुराना किला इसका निर्माण किसने करवाया है पुराना किला इसका निर्माण किसने करवाया है मैम जो दिल्ली वाला है वो करवाया है शाहजहां ने ठीक है किसने शाहजहां ने और जो आगरे वाला किया है वो करवाया है अकबर ने उन्हीं के दादा जी ने ठीक है उनके दादाजी ने मुगलों ने वाह 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 वा, नमो मैम ने वाह 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 मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल ठीक है द गोल्डन ईरा ऑफ आर्किटेक्ट बच्चा किसके शासन काल को कहा गया है मुगल काल में चित्रकला का शासन स्वर्ण काल सॉरी गोल्डन पीरियड ठीक है स्वर्ण काल किसके शासन को कहा गया है और इन्होंने शायद एक स्लोगन भी दिया था आ, कि जो आ, एक तरह से कहिए कला का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है है ना जो कला का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है जो CHSL का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है <laughs> जहांगीर के काल को कहा जाता है किसको कहा जाता है जहांगीर के काल को कहा जाता है अच्छा शिवाजी जो है शिवा ये मैंने पूछ लिया ना शिवाजी के किसके शासनकाल में थे या किसने उनको बंदी बनाया था यह सवाल पूछ लिया जहांगीर ने वेरी गुड अच्छा अः फिरंगी खान ध्यान सुनना यहीं से आ जाएगा एक सवाल फिरंगी खान की उपाधि किसे दी थी है? जहांगीर भाई साहब ने फिरंगी खान की उपाधि या फिर इंग्लिश खान आप इसको कह सकते हो ये जहांगीर ने किसको दी थी यस मैम पूजा शर्मा बिल्कुल वो पूछ ले बच्चा वैसे हम यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था या कहाँ पे हुआ था उनकी राजधानी क्या थी लेकिन ये हम जब मराठा पढ़ेंगे शिवाजी पढ़ेंगे उसमें करेंगे और कल आप सब का आपका अट्ठारह की क्रांति है बच्चे उसके बाद जब नेक्स्ट वीक हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू रखेंगे ना उसमें हम शिवाजी महाराणा प्रताप बाजीराव ठीक है इन सबको मतलब जो मराठा राजपूत एक तरह से ये थे ना इन सबको रखेंगे बच्चा होकिंस को बोला है अच्छा विलियम होकिंस को बोला है वेरी गुड अच्छा इसके अलग जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था ठीक है इसके अलग जहांगीर के शासनकाल में कौन सा अंग्रेज आया था जो कहते हैं ना इसके लिए वाइन्स वगैरह बहुत फ्रेंच वाइन्स सारी चीजें लेकर आया था और उसको ही मिली थी वो एक तरह से कहिए क्या परमिशन है ना सर थॉमस रो वेरी गुड क्यों कौन सर थोमस रो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर थोमस रो सर थोमस रो हो ठीक है यहां तक हो गया अब ध्यान से सुनना अकबर बच्चा आ तो या सॉरी अकबर कह रही हूं अंग्रेज आ तो सोलह सो में गए थे अब ये बताना अकबर के शासनकाल में या फिर कहिए अकबर के दरबार में आने वाला इंग्लिश मैन या आपका अंग्रेज कौन था उसका नाम आप जरा बताइए अभी तो जहांगीर के दरबार में ठीक है अभी तो जहांगीर के दरबार में हो रहा था अब जरा अकबर के दरबार में बताइए मैम बच्चा मोहम्मदीन अगर मैं इंग्लिश में भी ये लिखने लगी तो बस लिखने रह जाऊंगी वन लाइनर के ताबड़तोड़ का मतलब है कि आपसे मुगल काल के और जो हमने क्वेश्चन किए उनसे अलग बस एक बार आप पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन फेंकते जाए और आप उनका जवाब देते जाओ ठीक है अब इनको हिंदी इंग्लिश में नहीं कर सकते बच्चा उसके लिए प्लीज आज के लिए सॉरी कल से हम पूरे अट्ठारह सो वैसे तो दो चैप्टर में होना चाहिए बच्चा बट कोशिश करेंगे द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आ कल लेकर आ जाए ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्लास में फिच रल्फिच जो बाइडन वेरी गुड बच्चा तुम बहुत सही दिशा में जा रहे हो अच्छा कुछ करंट का पूछू तुमसे करंट में करंट है तुम्हारे बताना जरा करंट में करंट है अच्छा उस सवाल का जवाब आपका बी ऑप्शन था शायद एक बार उसका मैं तुम्हें जवाब तो दे दू इतने सारे वन लाइनर हो गए हाँ बी ऑप्शन था उस सवाल का जवाब सही शो रिजल्ट एक बार देख लेते हैं आपके नामों की घोषणा भी कर लेते हैं दीपक सैनी जूही पूजा इट्स एक्सपर्ट प्रिंस कितने ने जवाब दिया है विशाला बालक भी दिख रहा है अंकित शालिनी 105 में या वेरी गुड 30 सेकंड में जो इसके अंदर भरा गया ना चाहे वो आपसे पूछिए करंट अच्छा पूछ लो करंट बच्चा ये बताइए जो बाइडेन ने किसको सेलेक्ट किया है एज ए वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट न्यू प्रेसिडेंट ठीक है वर्ल्ड बैंक न्यू प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक न्यू प्रेसिडेंट किसको सेलेक्ट किया है जो बाइडेन ने जिन्होंने अपना पद जो है वो संभाल लिया है अरे विशाल नाम सही से लिख लो एक सवाल अभी और रह गया बच्चा वो और पूछना अजय बंगा को वेरी गुड क्या हो गया अजय बांगा अजय बंगा सर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है मैम वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है हम सबको पता है वो वॉशिंगटन डीसी में है कहां पर है वॉशिंगटन डीसी में है ध्यान से सुनना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 हजार कहाँ पर हुआ है चलो तुम्हारे थोड़ी सी बोछार करते हैं करंट की फिर अपने सवाल पे आ जाएंगे बच्चा जो अपना क्या है सवाल ऑफ द डे एंड एक मुगल काल का और पूछना है मेरे को कहाँ हुआ है और ये कौन सी यूनिवर्सिटी जीती है भैया जीता कौन है इसको ठीक है दोनों सवालों के जवाब मैम यूपी में हुआ है अपने उत्तर प्रदेश में हुआ है क्या यूपी में हुआ है अपने उत्तर प्रदेश में हुआ है लेकिन इसको जीती तो पंजाब है ठीक है जीती पंजाब है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स बताइए जरा अगला सवाल अगला पेज ले लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स ठीक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हजार कहां हुए हैं? एंड ये बच्चा आपका जीता किस स्टेट ने है कहां पर हुए हैं मैम मध्य प्रदेश में हुए हैं ठीक है मध्य प्रदेश के आपके क्या है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और ये जीते कौन है जरा फटाफट से बताना जीता है महाराष्ट्र कौन जीता है महाराष्ट्र जीता है अच्छा पहले भारत के पहले पहले आदिवासी गेम्स पहले ट्राइबल गेम्स बच्चा ये किस राज्य ने होस्ट किए हैं जी ए एम ई एस पहला ट्राइबल गेम संस्करण पहला ट्राइबल गेम आपका किस राज्य ने होस्ट किया है जीता उसमें कौन है अलग 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 जवाब आ रहे हैं उड़ीसा में हुए हैं कहां पर हुए हैं उड़ीसा में हुए हैं उड़ीसा ही जीता है ध्यान रखना उड़ीसा ही ये पहला ट्राइबल जो गेम हुआ है जिसमें ट्राइब्स के एथलीट बच्चा ट्राइबल एथलीट हिस्सा लेंगे ध्यान रखना सेकंड नंबर पर कर्नाटक रहा है ये भी आप ध्यान रखना ठीक है सेकंड नंबर पर का रहा है अब बताइए एक सवाल जो आपसे पूछना है आ, सवाल ये है मुगल काल से ही पूछना था फतेहपुर या फिर कहिए बुलंद दरवाजा ठीक है क्या है ध्यान सुनना बुलंद दरवाजा जो कि अकबर ने बनवाया था ये कहाँ पर है और ये किस विजय के बाद जो तुम एक जवाब दे रहे थे ना उसका सही आंसर ये रहेगा किस विजय के बाद किस विक्ट्री के बाद ये उसने बनवाया था आपने एक जगह जवाब दिया था इसका लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा बच्चा औरंगजेब सॉरी आपका जो ये शाहजहां वाला है उसका जवाब अहमदनगर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में है वेरी गुड कहां पर है फतेहपुर सीकरी में है ये बनवाया था अकबर ने आप सबको पता है गुजरात विजय के बाद कौन सी विजय के बाद गुजरात विजय के बाद ये आपका बनवाया था हमारे भारत में एक बच्चा विजय स्तंभ है ध्यान से सुनना कौन से है विजय स्तंभ विजय स्तंभ विक्ट्री आपका पोल एक तरह से इसको कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं ये बताना ये किसने बनवाया था ये किसने बनवाया है ये बनवाया था था पे आना चाहिए चित्तौड़गढ़ बिल्कुल करेक्ट है लेकिन ये बनवाया किसने है ये बनवाया किसने अशोक ने नहीं राणा कुंभा ने वेरी गुड राणा कुंबा ने ओके और अब आपके लिए आज का सवाल ऑफ द डे यहां से निकलता हुआ कौन सा हमारा सवाल था बच्चा वो जो हमसे पूछना था आपको एक सेकंड दीजिए बस आज का सवाल ऑफ द डे अच्छा इसमें तो वो नहीं है अभी चलो कोई नहीं आज का सवाल ऑफ द डे आप सबके सामने आ रहा है ध्यान से सुनना बच्चा इजी सा है लेकिन हम चाहेंगे कि जवाब सारे के सारे इसका आप सही दे सवाल ऑफ द डे आपके सामने है ठीक है ये बताइए औरंगजेब ने ठीक है औरंगजेब ने वो सवाल एक्चुअली चला गया कहीं गुम हो गया जो पूछना था औरंगजेब ने किस सिख गुरु को किस सिख गुरु को मरवाया था ठीक है और वो कौन से नंबर के सिख गुरु थे जैसे पांचवे अर्जुन देव हो गए बच्चा ठीक है वो कौन से नंबर के कौन से सिख गुरु थे कौन से सिख गुरु थे ये आपका आज का सवाल ऑफ वाला है यह जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लेकिन सही होना चाहिए बच्चा ये नहीं। देव गुरु गोविंद सिंह और आप ये बहादुर में में तीनों कंफ्यूजन हो जाओ जिसका सही जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ उसी को हमारी तरफ से थम्सअप मिलेगा और कल आपकी अठारह की क्रांति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जितने भी सवाल आपके पूछे जाते हैं और बटरफ्लाई हमारे उड़ते हुए चहकते हुए आज के नंबर वन स्टार है कलेक्टिव डाटा में नीलकंवल नंबर टू है साहिल नंबर थर्ड पर मौजूद है ठीक है मेंट बॉक्स में सही आंसर करना जिसका भी सही आंसर होगा उसको हम खुद से बच्चा अगर जल्दी कर दोगे तो हमारा ही थम्सअप मिलेगा सवाल ऑफ द डे फिर से देख लीजिए आपका औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवाया था और वो कौन से नंबर के सिख गुरु थे ठीक है इससे तो कई सारे सवाल बन सकते हैं बट कोई नहीं कल आपसे मिलेंगे और आशा है कि आपको लास्ट वाला जो रैपिड फायर राउंड मिला है वन लाइनर के तौर पर वो आपको अच्छा लगा होगा बच्चों कल आप से मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ को सीखते कैसे अठारह कैसे सत्तावन की क्रांति शुरू हुई है ओके और लास्ट में ये अंग्रेज जो बीच में आ गए ना बच्चा 1600 सो लेकर अठारह तक इनको हम अलग से पढ़ेंगे टेंशन मत लेना ठीक है इनको अलग से देखेंगे इनका फेज अब टेक केयर सभी को कल मिलेंगे अपने पूरे हफ्ते का टारगेट अच्छे से बना लेना आठ बजे प्रमोद सर की सी वाली क्लास लेना मत भूलना ये चीज ध्यान रखना और सर को याद करते रहना उनकी तबियत जल्दी सही होए और जल्दी वो आपके सामने आए ठीक है चलिए टेक केयर एवरीवन बाय बाय